So guys, welcome in this video. Before starting this video, make sure to subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates. तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आपको पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, मैं इच्छा करता हूँ। तो कुछ ये जो आज का वीडियो है सभी के लिए कॉमन है, कॉमन होने वाला है, आपको मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक है एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वायरस मीन्स, वायरस का लॉन्ग फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का लॉन्ग फॉर्म है। वायरस बहुत चीज़ों में हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर वायरस, बायोलॉजिकल वायरस। तो हम आज मेनली कंप्यूटर वायरस के बारे में बात करेंगे। तो वायरस के टाइप देखेंगे हम, कौन कौन से टाइप है, उनके इफ़ेक्ट, उनका काम करने का फंक्शन। तो टाइप देखते हैं। तो वायरस वॉर्म भी हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं, स्पाइवेयर हो सकते हैं, की लॉगर हो सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं इस वीडियो में, आप इसे देखिए। वायरस चाहे जो भी हो सकता है, कंप्यूटर बायोलॉजिकल। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉर्म्स क्या होते हैं। सो वॉर्म्स का काम होता है कि खुद की कॉपी बनाना और ओएस को क्रैक करना, यानी कि खुद की इतनी रेप्लिकेशन बनाना। दूसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का काम होता है, एक मलिशियस कोड होता है जो हमारे सिस्टम में ऐड होने के बाद हमारे पूरे सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो ट्रोजन हॉर्स बहुत ही डेंजरस होते हैं हमारे सिस्टम के लिए। तो तीसरा हम देखते हैं, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है स्पाइवेयर। तो स्पाइवेयर आपको पता होगा, स्पाइवेयर इंस्टॉल किस वजह से होता है। स्पाइवेयर जब हम किसी एड्रेस पे जाते हैं तो हमारे ओके या कैंसिल करने के बाद हमारे इसमें इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम में, और हम जो कुछ कर रहे हैं उसको वो मॉनिटर करता है। तो स्पाइवेयर का काम होता है मॉनिटरिंग करना, जो भी विक्टिम हमारा जो कुछ कर रहा है उसे मॉनिटर करना। चौथा है की लॉगर। तो की लॉगर का मेन फंक्शन होता है कि जो कुछ हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो या कंप्यूटर हो, उनको कैप्चर करना। हमारे कीबोर्ड में से हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उनको कैप्चर करने का काम की लॉगर का होता है। ये सॉफ्टवेयर हो सकते हैं अलग अलग। तो वायरस के पार्ट दिखते क्या होते हैं, तो ये पहला है इंसेक्शन मैकेजियम, और दूसरा है ट्रिगर। तो इनमें क्या होता है, इन्फेक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये सिस्टम में कैसे फैलना है इसके बारे में कुछ कोड होते हैं, और ट्रिगर का मतलब है उसे कब स्टार्ट होना है, कब एक्टिव होना है, कब किस टाइम काम करना है और कब अपना एक्सप्लॉइट यूज़ करना है, इसका मतलब होता है ट्रिगर। तो ट्रिगर और इन्फेक्शन मैकेनिज्म दोनों ही सेम है। तो ये फर्स्ट वायरस आपको मैं बताऊँगा, एक उसका नाम था क्रीपर वायरस, जो कि सभी सिस्टम में फैलता था और सब कुछ होने के बाद एक मैसेज छोड़ता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। तो ये क्रीपर वायरस बहुत ही डेंजर था, सबसे पहला वायरस माना जाता था जो डेवलप किया था बॉब थॉमस ने, और इसे पहली बार डिटेक्ट किया गया रैपर प्रोग्राम के थ्रू। रैपर प्रोग्राम बनाया गया था इस क्रीपर वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, जिसके वजह से क्रीपर वायरस हमारे सिस्टम में है या नहीं ये डिटेक्ट किया जा सकता था। तो ये रहा आज का इस वीडियो का टॉपिक और ये सोल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।